हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ एमजे। फ्रेंड्स, अभी तक बारिश मेरे यहाँ हो रही है और ऑलमोस्ट इंडिया में बहुत जगहों पे अभी भी बारिश कंटिन्यू है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स ये टॉपिक पे रहेगी कि हमें अपने जो रोजेज़ है, रोजेज़ पे डोरमेंसी कैसे प्लान करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोजेज़ में डोरमेंसी के लिए सोच रहे हैं कि प्लांट को डोरमेंट ले जाना है या नहीं ले जाना। तो आज की वीडियो आपकी ये कन्फ्यूजन को दूर करेगी, आपको पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको डोरमेंट करने हैं अपने रोजेज़ को या नहीं करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, आपको अपने प्लांट को डोरमेंट करना है या नहीं करना, ये सवाल आपका मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपके जो रोजेज हैं उसकी एज कम से कम 2 साल, 1.5 से 2 साल होनी चाहिए। अगर उससे कम एज का अगर आपका प्लांट हो तो उसको बिल्कुल भी डोरमेंट मत करिए, क्योंकि ये उसकी ग्रोइंग स्टेज है। तो 1.5 साल से कम वाले पौधे को कभी भी डोरमेंट मत करिए। हाँ, अगर आपका प्लांट 2 साल का हो तो बाद में आप डोरमेंसी में उसको ले जा सकते हो। 2 साल के प्लांट में रूट सिस्टम अच्छे खासे डेवलप हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट डोरमेंसी में जो स्ट्रेस दिया जाता है, डोरमेंसी में जो हम जो काम करते हैं वो उसको आराम से बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन अगर आपका जो पौधा अभी भी छोटा है, रूट सिस्टम अभी भी उसके डेवलप नहीं है, तो बाद में आप उसको डोरमेंट मत ले जाइए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका प्लांट वीक हो, आपके प्लांट के ऊपर हेल्दी शूट्स नहीं हो, पतली पतली ब्रांचेज हो, तो ऐसे प्लांट को भी आप डोरमेंट मत करिए। अब बात आएगी फ्रेंड्स के डोरमेंसी के लिए सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा रहेगा। देखिए, सबसे पहली जो नीड होती है डोरमेंसी में वो है बारिश का रुकना। अगर आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है, पूरे पूरे दिन बारिश हो रही है, तो ऐसे में आप डोरमेंसी बिल्कुल भी प्लान मत करिए, क्योंकि बारिश की सीजन में प्लांट डोरमेंट नहीं हो पाएंगे। आप भले ही डोरमेंसी के लिए तरफ ले जाओगे, लेकिन बारिश होने की वजह से प्लांट फिर से नए शूट्स प्रोड्यूस कर सकता है। डोरमेंसी में जनरली प्लांट कोई भी शूट्स प्रोड्यूस नहीं करता, प्लांट अपने सारे पत्ते गिराता है, धीरे धीरे वो अपने आप ही ओपन हो जाता है, सिर्फ आपको ब्रांचेज ही ब्रांचेज दिखेगी, प्लांट के ऊपर लीव्स वगैरह नहीं दिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, बारिश में होता क्या है कि बारिश में अगर ये चीज अगर आप करने जाओगे तो बाद में आपके जो प्लांट है वो फिर से नए पत्ते निकालना शुरू कर लेंगे, तो उसका इंडिकेशन ये होगा कि आपका जो प्लांट है वो डोरमेंट नहीं जा रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने प्लांट को डोरमेंट ले जाने वाले हो, तो सबसे पहले आपको डेट फिक्स करनी होगी प्रूनिंग की। जी हाँ फ्रेंड्स, डोरमेंसी पीरियड जनरली 4 वीक्स टू 6 वीक्स के आसपास का रहता है। तो अगर 4 वीक्स के आप प्रूनिंग करना चाहते हो, तो 4 वीक्स के बाद कौन सी डेट परफेक्ट रहेगी वो आपको देखना है। परफेक्ट डेट प्रूनिंग के लिए रहेगी वो है दिन का टेम्परेचर 30 से ऊपर होना चाहिए, 32-33 डिग्रीज के आसपास रहना चाहिए। रात का टेम्परेचर 20-22 डिग्री के आसपास रहना चाहिए, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर के बीच में कम से कम 10-12 डिग्री का अंतर रहना चाहिए, और ऐसी डेट ही सिलेक्ट करिए प्रूनिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि जब आपके यहाँ 25 डिग्री हो जाए, 28 डिग्री हो जाए तब आप प्रूनिंग करो, तो ये गलत है, क्योंकि तब अगर आप प्रूनिंग करोगे तो बाद में आपके प्लांट न्यू शूट्स जल्दी बाहर नहीं निकालेंगे। प्लांट को थोड़ा सा वार्म क्लाइमेट चाहिए न्यू शूट्स बाहर निकालने के लिए, इसीलिए जैसे ही आप प्रूनिंग करते हो तो प्रूनिंग के 1 हफ्ते 10 दिन के बाद प्लांट के नोड एरियाज के पास से न्यू शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ही पूरी स्टोरी खत्म नहीं होती है। अब जैसे ही फ्रेंड्स आप पर्टिकुलर एक प्रूनिंग डेट सिलेक्ट करते हो, तो आपको ये भी देखना है कि जिस दिन आप प्रूनिंग कर रहे हो, प्रूनिंग के 25 से 30 दिन के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर आपके यहाँ टेम्परेचर हो जाना चाहिए 25 से 28 के आसपास, यानी कि दिन का टेम्परेचर 25 से 28 के आसपास रहना चाहिए, रात का टेम्परेचर 17 डिग्रीज के आसपास रहना चाहिए। यानी कि सपोज आपने 20 अक्टूबर को प्रूनिंग की है, तो 20 नवंबर तक आपके यहाँ टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री के आसपास रहना चाहिए दिन का टेम्परेचर, और रात का टेम्परेचर रहना चाहिए 17 डिग्री के आसपास। तो ऐसी प्रूनिंग डेट ही सिलेक्ट करिए, नहीं तो बाद में प्रूनिंग डेट और आप डिले कर सकते हो अगर आपके यहाँ ये टेम्परेचर जल्दी आता नहीं है। वैसे मेरे यहाँ ये टेम्परेचर जो आता है वो दिसंबर के महीने में आता है, यानी कि दिसंबर के 20 तारीख के आसपास मेरे यहाँ
दिन का टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री के आसपास रहता है और रात का टेम्परेचर 17 डिग्री के आसपास रहता है। इसीलिए एग्जैक्टली मैं जो प्रूनिंग डेट सिलेक्ट करूंगा वो 15 नवंबर के आसपास करूंगा। लेकिन अगर आपके यहाँ नवंबर में ही ये डेट आ जाती है, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर नवंबर में ही आ जाता है, तो बाद में आप अक्टूबर की ठीक 25 दिन पहले की प्रूनिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप प्रूनिंग करते हो उस दिन के बाद से टेम्परेचर धीरे 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 करके गिरना शुरू हो जाना चाहिए। इनिशियली 7 से 10 दिन तक टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म रहेगा और जैसे जैसे आपके प्लांट के ऊपर से नोड एरियाज डेवलप होंगे, प्लांट के ऊपर से पत्ते डेवलप होंगे और ब्रांचेस और शूट्स डेवलप होंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होते जाना चाहिए। इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जनरली प्रूनिंग के बाद जब भी आप अपने प्लांट को प्रून करते हो, न्यू शूट्स के ऊपर थ्रिप्स और माइट्स की बीमारी लगती है। वो इसलिए लगती है क्योंकि अगर आप न्यू कटिंग वगैरह करते हो, प्रूनिंग करते हो, तो न्यू शूट्स सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से आपके जो प्लांट के ऊपर थ्रिप्स और माइट्स का अटैक होता है, और ये जो पेस्ट अटैक होता है ये बेसिकली वार्म क्लाइमेट में होता है। 30 से 32 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर होगा तो बाद में पेस्ट अटैक आपके प्लांट के ऊपर ईजिली हो जाएगा। तो इसीलिए प्रूनिंग के बाद टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता जाएगा तो पेस्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कि आपका प्लांट 50% जितना पेस्ट से बच जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि थ्रिप्स आपका पीछा छोड़ेंगे, थ्रिप्स लगने ही वाले हैं, तो आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना होगा थ्रिप्स से रिलेटेड। तो ये टेम्परेचर इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे फ्रेंड्स टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, प्लांट फ्लावरिंग्स के लिए उतनी ही जल्दी प्रमोट होंगे। जैसे आप प्रूनिंग करोगे उसके जैसे कि 1 महीने के बाद आपके प्लांट के ऊपर धीरे धीरे से बड्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट फ्लावर्स देना शुरू कर लेगा। और जैसे जिस दिन प्लांट फ्लावर्स देना शुरू करेगा और ऐसे में प्लांट को एक ठंडा क्लाइमेट मिलेगा, 25 डिग्री से नीचे का क्लाइमेट मिलेगा, तो बाद में आपके जो प्लांट के ऊपर फ्लावर्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रूनिंग से रिलेटेड। तो ये चीज़ का आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, तो उसके ऊपर पूरी मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर मैंने बताया है प्रूनिंग से A to Z सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो बाद में देख सकते हो, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो प्रूनिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको अपने प्लांट को डोरमेंट ले जाना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपके जो रोजेज हैं वो नेक्स्ट विंटर्स में अच्छे से ग्रो हो पाए। अभी मेरे यहाँ बारिश की सीज़न चल रही है तो मैं अभी रोजेज के ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा। जैसे कि देख रहे हो फ्लावर्स वगैरह भी ज़्यादा कट नहीं करता। फ्लावर्स जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं उसके बाद में एक साथ में सारे फ्लावर्स कट करता हूँ। इससे ये होता है कि प्लांट अपनी सारी एनर्जी नोड एरियाज के आसपास स्टोर कर देता है, और ये चीज़ अभी से करना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आने वाली जो सीज़न है मे बी अक्टूबर एंड या नवंबर में मैं अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करने वाला हूँ। अक्टूबर का जो महीना रहता है तब मैं पूरा एक महीना उसको डोरमेंट ले जाऊँगा। तो अभी से ही प्लांट जितनी एनर्जी अपने नोड एरियाज में स्टोर करके रखेगा तो बाद में जिस दिन मैं प्रूनिंग करूंगा तो प्रूनिंग के बाद तुरंत ही वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा और प्लांट बहुत ही जल्दी न्यू शूट्स निकालेगा और फ्लावरिंग्स के लिए तैयार हो जाएगा। मैं एक ही टाइम पे सारे फ्लावर्स काट लेता हूँ, फ्लावर्स को ड्राई करने देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो फ्लावर्स कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं उसके बाद ही मैं अपने प्लांट के ऊपर कटिंग करता हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।